हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूं, और इन पदों के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो यह वीडियो आपके लिए और ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल का नाम पहले UGC नेट क्रेकर था, लेकिन इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती थी, इसलिए इस चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है और न्यू नाम दिया गया है GOVT यानी गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म, और उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो UGC नेट क्रेकर लिखा हुआ आएगा, यह चैनल मेरा ही है। दूसरी बात कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, पार्क का लिंक, सभी लिंक आपको मिलेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप उस लिंक से ऐड हो सकते हैं यानी ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न पदों के बारे में। तो देखिए, स्टूडेंट ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए 2 पद हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 1 पद हैं, और सिस्टम एनालिस्ट के 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। जो स्टूडेंट ऑफिस कोऑर्डिनेटर का पद है, इसके लिए क्वालिफिकेशन में PG डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, सेकेंड क्लास, या PG डिप्लोमा एंड ऑफिस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग स्किल हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस रेपुटेटेड राष्ट्रीय या रिसर्च संस्थान या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से संबंधित होनी चाहिए, और जो जानकारी है वर्किंग जो नॉलेज आप इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी हाउस कीपिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। सिस्टम एनालिस्ट के लिए बी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या BCA MCA या MSc कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यदि इन पद के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पद के लिए आपको क्या करना है कि एक बायोडाटा बनाना है, अपडेट बायोडाटा बनाकर, रिज्यूम बनाकर और सेंड करना है। अब हम बात करते हैं बेसिक सैलरी के बारे में। तो देखिए, यह पद हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, और आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट ऑफिसर ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए 17,632 रुपये हैं, इसके साथ में 24% HRA है, और TA जो है MSE रूल्स के अनुसार है, DA 38% हैं, और EPF 12% पे पर हैं। लाइब्रेरियन के लिए भी 28,017 रुपये हैं, और अदर जो हैं जो मैं बताया हूँ वो अप्लीकेबल हैं। सिस्टम एनालिस्ट के लिए भी सेम हैं। इसके अलावा आपके लिए मेडिकल सुविधा भी हैं। अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि के बारे में। तो देखिए, आपको क्या करना है कि बायोडाटा बनाकर यहाँ पे जीमेल आईडी दी गई है, इस आईडी पे सेंड करना है, और 15 अप्रैल 2023 से पहले आपका अप्लीकेशन फॉर्म सेंड होनी चाहिए, और ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसके लिए आपको जो संस्था है उस संस्था के यानी स्कूल के वेबसाइट पर विजिट करते रहना है कि कब आपका इंटरव्यू पड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है। तो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चेन्नई में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो फ्रेंड, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही मैं आपके लिए डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक कीजिए, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।